स्वागत है कतार में दोस्तों। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में घूमने का क्या है, आइए आज के वीडियो में यहाँ के टॉप अट्रैक्शंस देखते हैं। मेरे पीछे है दोहा का सबसे फेमस मस्जिद जिसे ब्लू मॉस्क कहा जाता है। ये इस्तांबुल के ब्लू मॉस्क से काफ़ी इंस्पायर्ड, अगर आपको याद हो हमने इस्तांबुल के व्लॉग्स में भी दिखाया था। और जो ड्रेस मैंने यहाँ पर पहनी हुई है इसे बिस्ट कहते हैं, ये एक बड़े ऑनर की ड्रेस है, रॉयल फैमिली आमतौर पर पहनती है इसे। और अगर आपको याद हो फीफा वर्ल्ड कप में मेसी को भी ये ड्रेस पहनाई गई थी। इसका एक्चुअल नाम है कतारा मॉस्क और यहाँ पर आपको पर्शियन और टर्किश स्टाइल और इनेमल वर्क मिलेगा ब्लू और गोल्ड कलर की शेड्स में, बहुत ही सुंदर है। ये जो है यहाँ पर ये एक पिजन टावर है, पुराने जमाने में इनका इस्तेमाल किया जाता था पिजन ड्रॉपिंग्स को कलेक्ट करने के लिए। ये जो पूरा एरिया है जहाँ पर ब्लू मॉस्क सिचुएटेड है इसे कतारा कल्चरल विलेज कहते हैं। और यहाँ पे इनका ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा, जो धूप से बचाने के लिए इन्होंने छाय बना रखी है यहाँ ऊपर, और ट्रेडिशनल कूलिंग सिस्टम इनका, जैसे कि ये पुराने ज़माने में इन्हीं की मदद से थोड़ा कूल रहता था यहाँ पर जब जलती हुई गर्मी होती थी, तो क्योंकि एसी वेसी नहीं होते थे तब। ब्लू मॉस्क के बगल में ये गोल्डन मॉस्क भी है। There are some parts of Qatar which are built in a European style. So walking here almost feels like you're in Europe. This has Rome or Paris vibes. Here it's Europe, but if you turn around over there it's Arabic. It's Arabic style, yes. ये है कतार का नेशनल म्यूजियम और इसका आर्किटेक्चर देख सकते हो कितना यूनिक है। तो टिकटें मिल गई हैं हमें, अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। शुरू के सेक्शन में इन्होंने वाइल्ड लाइफ दिखाई है जो इस देश में मिलती है, और व्हेल शार्क्स और ड्यूगोंग्स यहाँ की सी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये दूसरा सेक्शन आर्कियोलॉजी के ऊपर है, तो ये जो हिस्टोरिकल स्टोन टूल्स यहाँ पर पाए गए हैं वो शोकेस कर रखे हैं। यहाँ इनकी ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स दिखाई गई हैं। पर्ल कारपेट ऑफ बड़ौदा, ये बड़ौदा के महाराज ने बनाया था। पूरे म्यूजियम में बहुत ही बढ़िया तरीके से एस्थेटिक तरीके से कतार की हिस्ट्री बताई हुई है और इतनी डिटेल में बताई हुई है कि यहाँ पर लिटरली मैं पूरा दिन स्पेंड कर सकता हूँ। दोहा का ये शहर 1947 में बस इतना सा था और अब देखो कि कैसे धीरे धीरे साल बर साल ये एक्सपेंड किया। कतार का जो फ्लैग है इसमें वाइट कलर पीस को रिप्रेजेंट करता है, मरून कलर ब्लड को रिप्रेजेंट करता है जो सैक्रिफाइस इनके एंसेस्टर्स ने किया, और जो 9 ये ट्राइंगल से देख रहे हो ये एक्चुअली में 9 एमिरेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनमें से 7 आज के दिन यूएई का हिस्सा है और बाकी 2 बहरीन और कतार। कतार देश की खास बात बाकी और अरेबिक कंट्रीज़ के कंपैरिजन में यही है कि ये ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर पर बहुत फोकस करते हैं, तो जो भी मॉडर्न बिल्डिंग्स भी आप देखोगे वो ट्रेडिशनल स्टाइल में इनके कल्चरल स्टाइल में बनी हुई हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी फीलिंग देती है। तो ये है एक रेस्टोरेंट इसी म्यूजियम के अंदर, क्या फैंसी रेस्टोरेंट बना रखा है, जो कलर थीम है हर चीज़ की एक दूसरे से मैच करती है, बाहर बढ़िया व्यू दिखता है और ग्लास में एक पर्ल है मोती। 7 डिफरेंट अरेबिक स्पाइसेस एंड ब्रेड विद ऑलिव ऑयल।
खाने में नाइफ फोर्क और स्पून तो हर जगह मिलती है, लेकिन यहाँ पर नाइफ फोर्क और स्पोर्क है, स्पून और फोर्क का मिक्सचर। और ऐसे देश में जहाँ सैंड ड्यून्स मौजूद है वहाँ पर कैमल राइडिंग तो ऑब्वियसली होती ही है। The smell is quite strong of the camel. But the birds are enjoying that. You see the birds? Yeah. You got a new friend? Friend, yeah. Do the camels have names? Yes. Yes? Yeah. Faris. Faris. Antar. Yes. Is it a boy or a boys, girl? Boys. All camel boys. All camels are boys. You look so short to them. Yeah, next to them. Okay. Are you ready? Your face. Okay, thank you. क्या एनिमल्स है ये, सो मैजिस्टिक। हमारी कैमल राइड शुरू हो गई है। नॉर्मली 10 मिनट की होती है, लेकिन हमें ये चीज़ें पसंद आती हैं तो हमने आधे घंटे की कैमल राइड चुनी है। Wow, that looks exactly like Western Australia. जूली के लिए ये एक्चुअली में दूसरी कैमल राइड है। इससे पहले इसने जैसलमेर में भी करी थी 2019 में शायद से, लेकिन वो राइड करते ही से उल्टी आ गई थी क्योंकि फूड पॉइजनिंग हो गई थी वहाँ पर। First camel ride you can enjoy well. No, I had one before when I was 6 years old in Tunisia. Yeah, but that doesn't count. Okay, doesn't count. वजन कैरी कर सकता है कैमल, मैं तो सिर्फ 80 किलो का ही हूँ ज़्यादा। You're not weight, you're not 300 kilos. No, I'm not. What do you say? No comment. करीब 15 मिनट हो गए हैं बैठे हुए और अब मुझे समझ में आया कि ये कैमल राइड 10 मिनट की क्यों होती है आमतौर पर, कि बैठे बैठे दर्द करने लग जाता है। कैमल जैसे मूव कर रहा है उसके साथ आपकी लोअर बॉडी मूव करती रहनी चाहिए, जैसे हॉर्स राइडिंग में होता है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। इस ऊंट के बालों का टेक्सचर जो है वो मुझे अपने बालों की याद दिलाता है। मेरे को भी कई बारी कॉम करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ दूर दूर तक पूरा समुद्र दिख रहा है। It's pretty smooth actually. Yeah. No, I mean he can be much harder if he wants to be. It's all up to you. You try before? I have not. She has not. But I have once. Can you show it hard also once so she can know how it feels? Yeah, okay, like. But you need to do that. 10 seconds later. Yeah. Oh my god! Oh god! Oh my god, no! Oh my god! Oh my god. Yep. Where was that? I thought the car was gonna flip. I told you it's very hard. It is like a roller coaster. ये मैंने पहले करी हुई है, लेकिन यूली ने आज से पहले कभी नहीं करी, तो उसे एक टेस्ट दिखाने के लिए क्या होती है ड्यून बैशिंग। Wow, the first one really gave me a shock. इतने ड्यून्स के ऊपर सवारी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हम सैंड बोर्डिंग करने जा रहे हैं। And have you sandboarded before? No, never. Never? Never in my life. सैंडबोर्डिंग में हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी पड़ी जहाँ पर कोई और कार वार नहीं आई है, तभी अच्छे से सैंड जो है वो बैठ सकता है सैंडबोर्डिंग के लिए। तो इसलिए हम बहुत अंदर तक चलकर आए हैं और यहाँ पर जो है सैंड काफी अनटच्ड है। I can imagine it must be hard, but from up here it looks very snow. Your
exercise. It was easy on the camel, wasn't it? अब यूली की बारी है. नंगे पैर भी कर सकते हैं क्योंकि उसने सैंडल्स पहन रखी थी. एक्चुअली में सबसे मुश्किल काम है ऊपर चढ़कर आना वापस. It's a lot like surfing actually. Starting. Nice. Up. It's faster then. Oh. That's a lot of sand in your shoes. ये एक जगह बना रखी है सिर्फ गाड़ी के टायरों में प्रेशर भरने के लिए, क्योंकि जब ड्यून बैशिंग होती है तो प्रेशर गाड़ी के टायर से हवा निकाली जाती है. अभी दोबारा से भर रहे हैं. कतार में बहुत सारी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज करी जा सकती हैं, लेकिन हमने चुना वेक सर्फिंग करना. सर्फिंग से काफ़ी सिमिलर है. सर्फिंग में ओशन की वेव्स आती हैं, यहाँ पर बोट के पीछे वेव बनाई जाती है जिसके ऊपर आप सर्फ करते हो. This palace looks so much like the one in Udaipur. बहुत ही मुश्किल होता है इस पर बैलेंस करना बिना रस्सी पकड़े. Trying to sit on it now. What's the difficulty level compared to surfing? It's much easier than surfing because the wave is very predictable. So you're not going in any direction and falling down all the time. It's a very still, stable wave, especially if we do it out in the calm sea. अब ये एक ऐसी जगह पर आए हैं जहाँ पर FIFA World Cup का बहुत कुछ लगा हुआ है. एक बड़ा सा FIFA World Cup लिखा है वहाँ पर, और यहाँ पे हर देश के झंडे थे जो FIFA World Cup में पार्टिसिपेट कर रहे थे. जैसे कि स्विट्जरलैंड का झंडा यहाँ लहरा रहा होता. अर्जेंटीना 12th नेशन टू क्वालिफाई, और वहाँ ट्रॉफी बनी है. काउंटडाउन. अच्छा, हर एंगल से ये शेप अलग दिखती है. तो अभी ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसी भी सर्कुलर शेप देख रहे हो दूसरी साइड से देखते हैं. यहाँ से ऐसा लगता है कि नंबर 8 बनाओ, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप के लिए कतार ने 8 स्टेडियम्स बनाए थे. तो यहाँ से ऑलमोस्ट एक हार्ट शेप लगती है. एंड फ्रॉम हियर इट लुक्स लाइक अ सर्कुलर शेप वंस अगेन. एंड इन द वेरी डिस्टेंस यू कैन सी दैट देयर आर मेनी मेनी कैमल्स गोइंग फॉर अ पैरेड. इट्स सच अ नाइस प्लेस टू प्ले इट बिकॉज़ बिहाइंड यू सी द दोहा स्काईलाइन.